बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें आपको बता दें और सबसे पहले रुख करते हैं ओडिशा का। इक्का दुक्का इलाकों में यहां पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की तो छिटपुट हिस्सों में बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान यहां पर जताया गया है। इसके अलावा रुख करते हैं विदर्भ का। आपको बता दें कि गिने चुने स्थानों में यहां पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही गुजरात की बात करें तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये थी मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है आइए वो देखते हैं कि मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की जानकारी है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। तो खास तौर पे जैसा कि आप देख रहे हैं देश के मानचित्र में पीले रंग के ये जो तमाम क्षेत्र हैं यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि इनमें से कई क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चलने के आसार है। साथ ही कुछ हिस्सों में यहां पर ओले भी पड़ सकते हैं तो नजर बनाकर रखिए। इसके अलावा जो पश्चिम भारत का हिस्सा है और साथ ही मध्य भारत तक जो जाता है यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ होते हुए यहां पर भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है और कहीं कहीं पर ओले भी पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं कि आने वाले दो दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की पहले बात करें तो यहां पर बरसात के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा यानी कि फिलहाल यहां पर बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो उत्तर भारत के मौसम का हाल हमने जान लिया जहां पर आने वाले दो दिनों के दौरान बारिश के आसार नहीं है। लेकिन वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, चाहे बात उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसके अलावा पूर्वी भारत में झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में मौसम साफ रहेगा। लेकिन वहीं दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है और साथ ही तेलंगाना में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल की बात करें या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तो यहां पर बारिश के आसार नहीं है। इसके अलावा पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। जी हां, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं और बारिश हो सकती है। तो जाना अपने देश के कई हिस्से हैं जहां पर आने वाले दो दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है तो कहीं कहीं पर ओले भी पड़े हैं। और वहीं उत्तर भारत की बात करें तो तेज हवाओं का असर कई जगहों पर नजर आया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बादल बरसे, साथ ही असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तो पूर्वोत्तर में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश दर्ज की गई और साथ ही केरल में भी कहीं कहीं बरसात हुई है। आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर जो है वो नजर आया है। लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई।
आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि गुजरात में कई जगहों पर बारिश हुई है, तो वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बरसात दर्ज की गई है। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम खबरें मौसम से जुड़ी हुई। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और, इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। जी हां, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान में बदलाव देखा जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में, तो आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो आपको बता दें गांगेय पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर जो दिन का तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और कुछ इसी तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। बिहार, झारखंड और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। सौराष्ट्र कच्छ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, तो वहीं कोंकण गोवा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा यहां पर तापमान। तेलंगाना की बात करते हैं तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, वहीं केरल में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहां पर तापमान रहा। वहीं आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है भुज में, जहां पर 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान का हाल भी ये अब जान लेते हैं। गुजरात की पहले बात करते हैं, यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मध्य महाराष्ट्र का, तो आपको बता दें सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर रहा। साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी राजस्थान के सीकर में, जहां पर 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो जाना अपने के तापमान में बदलाव देश के किन किन हिस्सों में इस वक्त देखा जा रहा है। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम जान पाते हैं कि हवा किस तरह की है, अच्छी है या ख़राब। दिल्ली की पहले बात करते हैं तो यहाँ पर हवा है 116 के स्तर पर, यानी कि संतोषजनक इस वक्त यहाँ की हवा बनी हुई है। पटना में 175 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ पर भी हवा है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 91 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त यहाँ पर कही जा सकती है। वहीं पुणे की हवा संतोषजनक स्तर पर है क्योंकि 160 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं। 109 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। कोलकाता के हवा की जो गुणवत्ता है वो संतोषजनक स्तर पर है क्योंकि 117 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। मुंबई की आइए बात करते हैं तो 283 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि थोड़ी ख़राब हवा यहाँ पर इस वक्त चल रही है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 167 है यहाँ पर हवा का स्तर, यानी कि संतोषजनक। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रह सकता है। और सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 7 से -2 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार को मौसम खुल जाएगा और 8 से -3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान बरकरार रहेगा अगले दिन भी और मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार की बात करें तो हल्के बादल फिर से छा सकते हैं और तापमान की यथास्थिति बनी रहेगी, यानी 8 से -3 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो जाना आपने गुलमर्ग के मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के मसूरी का रुख करते हैं। तो यहाँ बता दें आपको कि आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा। वहीं तापमान की बात करें तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। मंगलवार को 20 से 9 के बीच तापमान रहेगा जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, बुधवार को भी, गुरुवार को भी, लेकिन शुक्रवार को 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है और 21 से 10 के बीच यहाँ पर शुक्रवार को तापमान की स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को कुछ बादल छाते हुए दिख रहे हैं। 33 से 20 डिग्री के बीच में यहाँ पर मंगलवार को तापमान रह सकता है और इसके साथ ही बुधवार को तापमान रहेगा 34 से 19 के बीच, जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक भी। और शुक्रवार को जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 34 से 18 के बीच तापमान चला जाएगा, लेकिन इसके साथ ही बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। बिहार के बोधगया की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलेगा और तापमान की बात करते हैं 32 से 15 के बीच तापमान मिलेगा मंगलवार को, तो वहीं पर बुधवार को तापमान रहेगा 33 से 16 के बीच और ये तापमान आने वाले 3 दिनों के दौरान बिल्कुल बरकरार रहेगा, यानी गुरुवार शुक्रवार को भी 33 से 16 के बीच तापमान की स्थिति यहां पर मिलेगी आपको। तो बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब असम के सिलचर का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धुंध छाई हुई मिल सकती है आपको अहले सुबह, लेकिन इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ ही जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। मंगलवार को आपको बता दें 31 से 19 के बीच तापमान रहेगा, ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा बुधवार और गुरुवार को भी। वहीं शुक्रवार की बात करें तो 32 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है। सिक्किम के गैंगटॉक की बात करते हैं। आपको बता कि यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं शुक्रवार की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, यानी कि बादलों की लुका छिपी यहां पर चलती रहेगी। तापमान में इजाफा आ सकता है, 20 से 10 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो यहां पर मंगलवार को मौसम साफ रहेगा और 35 से 21 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 34 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को भी बादलों की लुकाछिपी यहां पर चलती रहेगी और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास तो न्यूनतम तापमान 19-20 के आसपास यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के ऊटी का रुख करते हैं। यहाँ पर भी बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो मंगलवार को जहाँ तापमान रहेगा 23 से 7 के बीच में, तो 1 डिग्री का इजाफा आएगा अगले दिन बुधवार को और तापमान 24 से 8 के बीच रहेगा और ये लगातार बरकरार रहेगा गुरुवार शुक्रवार को भी, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव या उतार चढ़ाव तापमान में नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर मंगलवार को बादल छा सकते हैं
और इसके साथ ही ओले पड़ने के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 34 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है। बुधवार को भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और 34 से 18 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। गुरुवार को 35 से 18 और शुक्रवार को 36 से 16 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन गुरुवार शुक्रवार को मौसम साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब गुजरात के अहमदाबाद का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले दो दिनों के दौरान बारिश हो सकती है और जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर काफी नजर आ रही है। मंगलवार को 37 से 20 के बीच तापमान रहेगा, गिरावट आएगी तापमान में। बुधवार को 35 से 20 के बीच तापमान रहेगा, फिर इजाफा आएगा। गुरुवार को 36 से 21 के बीच तापमान चला जाएगा और फिर से इजाफा तापमान में आते ही 37 से 22 के बीच तापमान की स्थिति हो जाएगी। शुक्रवार को एक उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। जहां खेतों में फसलें खड़ी है और मौसम में भी तब्दीलियां नजर आ रही है, तापमान में कहीं पर इजाफा चल रहा है तो कहीं पर तापमान में कमी भी आ रही है, गिरावट भी दिखी जा रही है और तेज हवाओं का जो असर है वो भी देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। ऐसे में फसलों की उचित देखभाल करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं बिहार झारखंड के जो किसान हैं उन्हें इस वक्त किस तरह के समसा में कार्य करने चाहिए। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बिहार में सरसों की कटाई करें, अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ कद्दू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही खीरा भी बोए, वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर ले, आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दे। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रुपाई करते रहे। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले, किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही आलू की खुदाई करते रहे। झारखंड में धान की रुपाई करें, धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। अभी मूंग की कटाई कर ले, किसान काबुली चने की बुआई करते रहे। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने बिहार झारखंड के किसान किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और साथ ही फसलों की देखभाल इस वक्त किस तरह से उन्हें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है लौकी, जिसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में मुख्य तौर पर किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण इसका जूस सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो लौकी की बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है, इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है, इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहाँ फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो।
बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लौकी की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।